मतलब नाम है लॉरियल पेरिस में बोली न्यूयॉर्क और बन के कहाँ से आ रहा है मतलब सोचो मतलब पता मुझे आज कैसी फीलिंग हो रही है छोटी गंगा छोटी गंगा क्या के नाले में कूदवा दिया <laughs> इन दोनों से मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है पता नहीं क्यों माई चैनल नीमा कॉर्नर और मैं हूँ नीमा आज की इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ दो लिपस्टिक्स का मतलब ये दो लिपस्टिक्स मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास देखी है मेरे पास एक एक ही है क्योंकि <laughs> नहीं है भाई बजट नहीं है हमारा इतना तो ये दो लिपस्टिक मेरे पास सिंगल सिंगल पीस है मैं आज इनका कंपैरिजन करने वाली हूँ कि अगर मुझे दूसरी खरीदनी होगी तो कौन सी वाली खरीदूँ ये वाली कि ये वाली ये है लॉरियाल पेरिस और लिपस्टिक का नाम रुको लॉलियल लॉरियाल एकदम लॉलियाल हो जाता है लारियाल <laughs> पैरिस की रूट सिग्नेचर और ये है मेबलिन न्यूयॉर्क की स्टे सुपर स्टे मैट इंक दोनों लिपस्टिक पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं, दोनों ये वाली तो ग्लास पैकेजिंग में है ये आई थिंक प्लास्टिक पैकेजिंग में है जो कलर आपको बाहर दिख रहा है वही इसके अंदर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है आउटर पैकेजिंग की अगर मैं बात करू तो यार लोरियल वालों ने तो पैसे खर्च किए हैं उन्होंने आउटर पैकेजिंग बनाई है मेबलिन वालों का बजट नहीं था उन्होंने सारे स्टीकर इसी पर चिपका दिए कोई आउटर पैकेजिंग नहीं है इसकी <laughs> इसका मतलब 600 सौ छः सौ के लिपस्टिक वाले भी इतने पैसे बचा रहे हैं कि आउटर पैकेजिंग भी नहीं लगा रहे सोचो <laughs> अब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कुछ चीज़ें क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको दोनों में अलग अलग क्वांटिटी मिलती है मैं इसमें आपको मिलती है फाइव एम की क्वान्टिटी और लॉरियल वाले कितनी दे रहे हैं इसमें आपको मिलती है सेवन एम की क्वांटिटी वाह मतलब देखने में लग रहा है इसमें कम है और इसमें ज़्यादा क्योंकि ये पूरी लाल बना दी है उन्होंने चंट बना दिखाया थोड़ा सा तो इसमें जबकि आपको कम प्रोडक्ट मिलता है इसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है बट 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 एक धमाका जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना उस टाइम पर मुझे लगा क्योंकि मैं जब हम नाम सुनते हैं ना क्या होता है लॉरियाल पैरिस दिमाग में आ जाता है कि भाई ये पैरिस से रिलेटेड है ये है मेबली न्यूयॉर्क मतलब मेवली नहीं सुनते हम हम सुनते हैं मेवली न्यूयॉर्क तो हमारे दिमाग में आ है भैया न्यूयॉर्क से रिलेटेड है जैसे कि पतंजलि सुनते हैं कहाँ का ध्यान आता है इंडिया का ही ध्यान आता है ना अब अगर कोई आपको बोले पतंजलि है तो इंडिया का बट इसके प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं चाइना से आप मानोगे नहीं मानोगे ना बट इन दोनों की मैन्यूफैक्चरिंग हुई है मेड इन चाइना जी हाँ जो कि इसमें मैंशन भी किया हुआ है मैं साइड में फोटो जरूर लगाना चाहूँगी आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा मैं फ़ोटो लगा दूंगी इसमें भी मेंशन है मेड इन चाइना और इसके तो पूरे कार्टर मैं आपको दिखाऊं तो चाइनीज़ ही चाइनीज़ भरी हुई है और इंग्लिश ही इंग्लिश भरी हुई है चाइनीज़ में सब कुछ चाइनीज़ में मेंशन है ये दोनों की दोनों मेड इन चाइना प्रोडक्ट हैं जी हाँ मतलब कुछ दिन पहले मैंने ये लगाई थी घंटों तक टिकी थी मतलब अब थोड़ा मेरे को डाउट हो रहा है कि लगाऊँ ना लगाऊँ बट पैसे लग चुके हैं तो लगा दो तो मैं लुंगी खैर तो दोनों की दोनों कोई भी इंडिया में बनी हुई नहीं है ना कोई भी पेरिस में या न्यूयॉर्क में बनी हुई नहीं है दोनों भैया चाइनीज माल है ये तो आप सोच समझ के ले सकते हो शेड की अगर मैं बात करूँ पिगमेंटेशन इनकी गज़ब है इसकी तो मैं बहुत तारीफ़ कर चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में भी ये लिपस्टिक 12-14 घंटे तक लग जाती है मतलब ऐसा लगेगा आपको अपने होठों पे ना एशियन पेंट लगा डाला वो वाली फीलिंग आएगी आपको कि भैया निकल ही नीरा निकल ही नीरा वाली फील आएगी ये देखो इसकी पिगमेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ बहुत प्यारा कलर है इसको बहुत प्यारा कलर और दूसरे वाले का भी दिखा देती हूँ ये वाली ये मैंने अभी तक लगाई नहीं है हैंड वॉच ही करके देखा है इसका एप्लीकेटर आप देखो इसका एप्लीकेटर पता नहीं मेरा ही टेढ़ा आया है कि सच में इसका टेढ़ा होता है मुझे पता नहीं है देखो मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ पिगमेंटेशन दोनों की अच्छी है ये मुझे लग रहा था ये पेन जैसी होती होगी बट ये सिर्फ शो के लिए है मुझे लग रहा था जैसे हम लोग पेन लगा लेते थे ना बचपन में उस तरीके की होगी तो अगर आप इन्हें चेकआउट करना चाहते हो तो चेकआउट जरूर कर लेना मेरे को तो सबसे बड़ा जो सदमा लगा ना यही जान के लगा कि ये दोनों चाइनीज़ है तो मैंने सोचा कि भैया इसकी तो <laughs> बताऊंगी किसी वीडियो में कि दोनों के दोनों चाइनीज़ हैं प्राइस की अगर मैं बात करूँ ये पाँच एम प्रोडक्ट आपको मिलता है और ये सात एम प्रोडक्ट आपको मिलता है फिर भी दोनों की एम बिल्कुल सेम है दोनों की दोनों आपको मिलती हैं साढ़े छः की मतलब साढ़े की एक एक मिलती है आपको इसका भी एम आर पी सिक्स फिफ्टी रुपीज़ यहाँ पर मैंशन किया गया है और इसका भी एम आर पी सिक्स फिफ्टी रुपीज़ मैंशन किया गया है मतलब अगर क्वान्टिटी पर जाओगे तो आप लॉरियल वाली की तरफ जाइए क्योंकि इसमें आपको क्वान्टिट्टी ज़्यादा मिलती है और प्राइस दोनों का बिल्कुल सेम है हो सकता है भाई डिस्काउंट विस्काउंट अलग से मिल जाता हो बट एम आर पी दोनों का बिल्कुल सेम है इसमें एक चीज़ मुझे बेकार लगती है कि भैया जो स्टिकर्स है ना ये तो निकल जाते हैं तो फिर हम जब बीबी लगाएंगे तो हम सोचते रहेंगे कि यार इसकी एक्सपायरी कब की तो स्टिकर मुझे थोड़े से वो लगता है इससे अच्छा तो प्रिंट होता ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है इन्होंने ज़्यादा मेहनत ही नहीं करी इन्होंने कहा भैया कुछ लिखने की जरूरत नहीं है पीछे सिर्फ शेड लिख दिया और ये चीज़ आप संभाल के रखो ये आपकी जिम्मेदारी है <laughs> कौन संभाल के रखता है कौन संभाल के रखता है मेरे पास जब भी, भी कोई कुरियर आता है ना मैं सबसे पहले उनके यही डब्बे ही निकाल के फेंकती हूँ और फिर टेंशन हो जाती है कि यार प्रोडक्ट पर तो ये लिखा ही नहीं है कि एक्सपायर कब होगा तो इसलिए मुझे वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे जिसमें मेंशन होता है प्रिंट होता है बेसिकली स्टिकर वाले भी तब भी तब मैं थोड़ा सा चिपका के रख लेती बट इस तरीके से होगा तो तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट एक्सपायर कब हो रहा है तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से अगर आप इन दोनों में से किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपकी आंखें खुल गई होंगी जैसे मुझे जोर का झटका है जोरों से लगा वाली फीलिंग हो रही है ना वैसे ही आपको भी फीलिंग हो रही होगी कि दोनों में से चाहे मेबलिन न्यूयॉर्क हो चाहे लोरियाल पेरिस हो दोनों की दोनों बन के आई हैं चाइना से या इंडिया में भी नहीं बनी है तो थोड़ा सा मुझे धक्का सा लगा इस चीज़ के लिए बट हाँ इनकी पिगमेंटेशन आप देख सकते हो इन दोनों के लिप्स वॉर्चेस भी मैं आपको दिखाऊंगी साइड में देख लेना तो आप चेकआउट जरूर कीजिएगा अगर आप इन दोनों में से तो तू भी चाइना से बन के आए क्या हिल रहा है <laughs> तो अगर आप इन दोनों में से किसी को भी चेकआउट करना चाहते हैं चेकआउट जरूर कर लेना शेड की अगर मैं बात करूँ मेबलिन में मेरा शेड है ट्वेंटी और इसमें मेरा शेड है लॉरियल वारी में वन ट्वेंटी एट शेड बहुत प्यारा है ये तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा उम्मीद करती हूँ और किसी वीडियो में मैं आपके साथ कोई कंपैरिजन शेयर करूँगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर ये क्या बोला मैंने <laughs> अगर और किसी प्रोडक्ट का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया ही होगा यहाँ तक देख लिया है तो भैया थोड़ा तो थो पसंद आया ही होगा नहीं तो शुरू में ही भाग जाते हैं यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करके जरूर जाना कमेंट करके जरूर जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग और भाई तेरा भी चेक करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है ये भी ज़्यादा ही उछल रहा है इसका भी चेक करना पड़ेगा कि ये भी तो चाइना से बन के नहीं आ गया बाय <laughs>